तो गाइस कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वाई वन स्मार्ट वॉच का। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को प्रेस करना ना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो आपके फ़ोन पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी वाई वन स्मार्ट वॉच। पूरा का पूरा ब्लर आ रहा है अभी, तो अभी ठीक तरीके से फोकस हो चुका है। तो दोस्तों ये है वाई वन स्मार्ट वॉच, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये है ब्लू कलर की, क्योंकि यहाँ पर ऐसा सिंबल है और यहाँ पर ऐसा ब्लैक कलर का सिंबल है, लेकिन यह ब्लैक कलर की नहीं है, यह वाइट कलर की है। दोनों ही सेम है, सिर्फ कलर अलग अलग है। तो मैं आपको सिर्फ एक ही खोल कर दिखाने वाला हूँ। तो बॉक्स के अंदर में अगर हम देखने जाए तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर स्मार्ट वॉच ऐसा लिखा हुआ है और यहाँ पर स्मार्ट वॉच, यहाँ पर भी स्मार्ट वॉच, सभी जगह पर स्मार्ट वॉच ऐसा ही लिखा हुआ है। तो बॉक्स बक्से को खोल कर निकाल देते हैं। तो ये एक हमें स्मार्ट वॉच देखने मिलती है कवर के अंदर, ये ब्लू कलर वाली है। और निकालने पर बक्से के अंदर से हमें एक ये चार्जिंग का केबल देखने मिल जाता है, USB to Micro USB। आप देख सकते हैं। और किसी सैमसंग के चार्जर को भी आप यूज़ कर सकते हैं, मेरी मानो तो आप यही यूज़ करना, क्या वरना आपकी घड़ी की जो बैटरी है वो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, वोल्टेज का प्रॉब्लम रहता है। इसीलिए मेरी मानो तो आप यही वाला चार्जर यूज़ करना जो बॉक्स के अंदर आता है। और ये एक हमें यूज़र मैनुअल देखने मिल जाती है। तो फिलहाल तो इस यूज़र मैनुअल को रखते हैं हम साइड पे। और ये देखिए घड़ी को निकाल देते हैं इसके अंदर। तो ये है हमारी घड़ी, सर्कुलर डायल है इसका। आजकल ज़्यादातर सर्कुलर डायल वाले घड़ी की ही डिमांड है, स्क्वायर वाले की उतनी डिमांड नहीं होती है। एप्पल में स्क्वायर वाले की बहुत ही डिमांड होती है, वो बात अलग है। ये है वाई वन स्मार्ट वॉच, वाई वन। तो ब्लू कलर का बेल्ट है, पूरा रबर स्ट्रैप है। यहाँ पर स्पीकर है और यहाँ पर इसका ये माइक है छोटा सा, आप देख सकते हैं। और ये पावर ऑन ऑफ का बटन है और यहाँ पर से आप चार्ज कर सकते हैं इस घड़ी को। तो अभी थोड़ी देर में मैं इसका चार्ज करके भी आपको दिखा दूंगा। अभी तो इसको करते हैं बूट ऑफ। ये देखिए दोस्तों कैसा आवाज़ निकलता है, और इसका वॉच फेस भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अभी एक बार बटन प्रेस करने पर ये शुरू हो जाती है, फिर सिंगल टैप और चेंज, सिंगल टैप और चेंज, सिंगल टैप चेंज। तो मुझे तो ये वाला बहुत ही पसंद है, तो मैं तो यही वाला यूज़ करता हूँ। ओपन करने पर आपको ऐसे करना है, या फिर आप दूसरी और भी कर सकते हैं ऐसे। तो पहले में तो आपको टाइम डेट वो सब देखने मिल जाता है, टाइम अभी सेट नहीं किया हुआ है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर आपको 2018 दिखा हुआ देखने मिल जाता है, तो टाइम तो अभी सेट नहीं है। तो यहाँ पर कॉल का ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है। यहाँ पर आप नंबर डायल सेट कर सकते हैं बैक, और ये मैसेजेस का है पूरा। ये देखिए ब्राइटनेस में इसकी कम कर देता हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो कम कर दी है मैंने ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको एंटी लॉक देखने मिल जाता है, ब्लूटूथ है, सेटिंग है, रिमोट नोटिफायर है,
ये देखिए, प्लीज़ इंस्टॉल बीटी नोटिफायर ऐप इन रिमोट डिवाइस, ऐसा लिखा हुआ आता है। तो आप कौन सा भी बीटी नोटिफायर ऐप डाउनलोड करके इसको पेयर करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर इसका ये देखिए क्यूआर कोड दिया गया है, कैलेंडर है, फिर सीडेंटरी है, पेडोमीटर है, स्लीप मॉनिटर है, प्रोफाइल है, अलार्म है, फाइल मैनेजर, ये सब आपको मेमोरी कार्ड को इंसर्ट इंसर्ट करना पड़ेगा तभी ये सब चीज़ खुलेगी। कैलकुलेटर है, ये भी मेमोरी कार्ड, म्यूज़िक भी मेमोरी कार्ड, म्यूज़िक में मेमोरी कार्ड नहीं चाहिए, वो बीटी म्यूज़िक चलता है, मतलब कि ब्लूटूथ में। और इसमें इमेजेस में भी वही है, सेम थीम अभी भी एक ही है, क्योंकि अभी अभी मैंने इसमें कुछ इंसर्ट नहीं किया हुआ है इसलिए एक ही थीम दिखा रही है। यहाँ पर मोशन है, रिमोट कैमरा है, और सिम टूल है, फेसबुक है, ट्विटर है, ब्राउज़र है, और आखिर में व्हाट्सएप है। ये फोकस नहीं हो रहा है ठीक से, ये देखिए। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिखने मिल जाती है, मुझे पता नहीं है अभी ये चीज़ का क्या है, लिखा हुआ है ये देखिए सिल्वर कलर में। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था, माइक देखने मिल जाता है, और अभी इसके सब स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो सर्कल डायल शेप है जैसा कि मैंने बोला था, और ये आपको ब्लू, वाइट, ब्लैक और पिंक कलर में देखने मिल जाती है। इसके अंदर आपको कोई कैमरा देखने नहीं मिलता है, और ये वाटरप्रूफ भी नहीं है दोस्तों, मैं अभी आपको बता देता हूँ। और ये रबर का है मैंने जैसा आपको कहा था। फिर ये जो है ये सब स्टेनलेस स्टील है, और ये मैन और वुमेन दोनों ही पहन सकते हैं। फिर लिथियम बैटरी टाइप है इसका, और कॉल फंक्शन और ब्लूटूथ दोनों ही इसमें आपको अवेलेबल है। ये डिस्प्ले का साइज़ 41 mm है। कंपास भी देखने मिल जाता है, कैलेंडर है, अलार्म क्लॉक है, क्रोनोग्राफी भी है। और दोस्तों इस घड़ी की प्राइस है 1,060 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 1,060 रुपये की ये पूरी की पूरी घड़ी है। इसमें आपको चार्जिंग केबल देखने मिल जाता है, तो मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है, इसका इंटरफेस कैसा है जब ये चार्ज होता है। तो ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है, अभी मैं आपको एडाप्टर के अंदर, एडाप्टर आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सैमसंग का यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ही पड़ा हुआ था इसलिए मैं सैमसंग का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते, चार्जर कनेक्टेड ऐसा लिखा हुआ आता है, मैं आपको एक बार ठीक से दिखा देता हूँ। और ऑन करके ऑफ, यहाँ पर ये देखिए चार्जर कनेक्टेड ऐसा लिखा हुआ आता है, और ऊपर ये चेंज हो जाता है, ये देखिए। अगर आप इसको स्विच ऑफ कर देते हैं तो अलग इंटरफेस आ जाएगा। ये देखिए पावर ऑन ऑफ का भी आपको एक बार पूछ लेता है कि करना है कि नहीं, ऐसे ही गलती से दब गया है बटन, तो बंद होने पर भी ये ऐसा आवाज़ करता है। तो एक और बार हम चार्ज करके मैं इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐसा इंटरफेस आता है जब ये स्विच ऑफ होकर चार्ज होता है। और दोस्तों अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे ही आप इसको ख़रीदें तो इसमें बैटरी बहुत ही कम होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। और इसको आपको पूरे 2 घंटे तक चार्ज में रखना है, बाद में आप इस घड़ी को यूज़ कर सकते हैं। और ये घड़ी को आप 3 से 4 दिन तक आराम से यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 दिन तो नहीं, 4 से 5 दिन पक्का, पूरी चार्ज हो गई तो। और मैं आपको वाइट कलर की भी घड़ी दिखा देता हूँ, उसमें सब कुछ निकालने का ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि इस बक्से के अंदर भी सभी की सभी सेम चीज़ें ही है, सिर्फ एक कलर अलग है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम ही है। इसको रखते हैं साइड पर। तो दोस्तों ये है वाइट कलर की बैंड स्ट्रैप, वाइट कलर का है, तो इसको भी बूट अप कर लेते हैं। ये देखिए ऐसा आवाज़ करता है, तो भी इसको स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये सिर्फ इसका जो स्ट्रैप है वो वाइट कलर का है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो पीछे से इसको आपको निकाल कर दिखा देता हूँ एक बार स्विच ऑफ करके। तो ये जब भी स्विच ऑफ होता है तो अभी तुरंत ही 1 सेकंड के बाद वाइब्रेट होता है, मतलब कि पूरा बंद हो चुका है। तो दोस्तों मेन प्रॉब्लम है कि ये जो पीछे का कवर है ये निकलने का बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कोशिश करने के बाद निकलता है, बहुत ही हार्ड है। मैं ये देखिए एवें ही शुरू हो गई, एवें ही अभी तो निकला भी नहीं है बैक कवर। निकल जा भाई, 1 सेकंड दोस्तों, बहुत ही हार्ड है, आप देख ही सकते हैं। ये स्ट्रैप ऐसे खुले नहीं रहते हैं ना, इसीलिए अब बहुत ही हार्ड है। ये देखिए ऐसे पैक हो जाता है तो निकलने का बहुत ही हार्ड होता है। कुछ वो जो शार्प चीज़ होती है आगे से, पतली पतली चीज़, उसको आप इसके अंदर डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं। मेरे पास अभी ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है, इसीलिए मैं अपने जो नेल्स है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों ये बहुत ही मेहनत करने के बाद ये बैक कवर निकल चुका है, पूरे ये दर्द करने लगे हैं। तो आप ये ध्यान से निकालना, आपको चोट भी लग सकती है क्योंकि बहुत ही हार्ड है ये निकालने का। तो ये एक आपको बैटरी देखने मिल जाती है, बी केयरफुल ऐसा लिखा हुआ है, कुछ ऐसा है नहीं। ये इसका मॉडल है RXY Y1 और 380 मिलियन पावर्स की बैटरी है, टाइप है ली आयन, 3.7 वोल्ट की है। आप देख ही सकते हैं पूरी डिटेल्स बैटरी की, लिथियम आयन बैटरी है। और यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको स्पेस यहाँ पर देखने मिलती है, यहाँ पर आपको अपना मेमोरी कार्ड डालना है और यहाँ पर जो है वो आपको सिम कार्ड डालना है। ये देखिए ऐसे फिर आपको लॉक कर देना है, सिम कार्ड डालना है यहाँ पर और लॉक कर देना है, तो फिर आप इसमें से कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों घड़ी मुझे 2000 में पड़ी, 1000 इसका और 1000 इसका। तो दोस्तों अगर आपको ये ख़रीदनी है तो आप फ्लिपकार्ट पर से ख़रीद सकते हैं, 1060 रुपये की घड़ी है। यहाँ पर ये देखिए स्पीकर है, वहीं पर ये जो होल है ऐसे ही लगा देना है। फिर से कर लेते हैं बूट अप, ये देखिए टाइम अभी शायद से चेंज हो गया होगा। ये देखिए मैंने जैसे ही आपको बताया सेटिंग्स में देख लेते हैं एक बार क्या क्या देखने मिलता है। फ़ोन सेटिंग्स और रिस्टोर सेटिंग्स, फ़ोन सेटिंग्स में टाइम एंड डेट, लैंग्वेज है, डिस्प्ले है, टच, इसका टच स्क्रीन भी बहुत ही बढ़िया है, आप देख ही सकते हैं कितना स्मूथली हो रहा है। बैक जाना है तो आप सिंपली ये वाला बटन प्रेस कर दो और ये आप वापस मेन्यू में आ जाओगे, मतलब डेस्कटॉप पे आ जाओगे। इसके बंद करना है तो एक और बार ये ऑन, थोड़ी देर आप इसको प्रेस करने पर ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आपको ऐसा स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही ये थोड़ी बार दबाने पर ऑटोमेटिकली खुल जाता है। फिर और थोड़ी देर आप दबा के रखोगे तो ये पावर ऑन ऑफ का आपको देखने मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी दोनों घड़ी, बॉक्स के अंदर ये चार्जिंग केबल इसका, माइक्रो USB टू माइक्रो USB और एक यूज़र मैनुअल देखने मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।